कभी आपके खेसारी लाल यादव जी लाइव आ जाते हैं, कभी पवन सिंह जी की तरफ से कुछ जवाब मिल जाता है, कभी यूट्यूबरों का जवाब हो जाता है, यानी कि दोनों में विवाद क्यों होता है? अब विवाद अपना अपना है, क्योंकि हमारे तरफ से, हमारे टीम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लोग खुद ही बोलने लगे कि हम लकीर खींच दिए, इससे बहुत पहले बड़ा बड़ा लकीर है हमारे भोजपुरी में, ठीक ना। लेकिन वो लोग आज तक नहीं आके बोले हैं लकीर उनका नाम लेके करिएगा तो कोई गुस्सा होगा ना, अपना लकीर बहुत बड़ा कर दीजिएगा जी, पूरा भारत घुमा दीजिए, लेकिन अपना बनाइए ना, अपना नाम लेके करिए, दूसरे का नाम लेके कंपेयर क्यों करते हैं आप? कोई बोलेगा तो सुनेगा भी ना, बात यह है। आप हमको बोलिएगा, हम भी आपको सुनाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है हमारे पास मुँह नहीं है। इनोट बरसे लतोहर नथुनिया प, जब हिलावे कमर हर मुनिया प। लहंगा में मीटर टू आ रहा है, लहंगा में मीटर टू आ रहा है, हारमोनिया टू और रिकॉर्ड हो गया है, शूट भी लगभग इसी में होगा तुरंत। कृष्ण भैया बताइए कि फिलहाल अभी खेसारी लाल यादव जी प्रोजेक्ट को लेकर लखनऊ में लगातार इवेंट पे इवेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कोई बड़ा धमाका होने वाला है क्या? अब बड़ा बड़ा ही होगा, सब जो भी होगा बड़ा काम होगा। जी अच्छा, एक सवाल है कि बहुत आपका नाम आता है, किसी आपके विरोधी के मुंह से भी कृष्णा बिदर्दी के लिए अच्छा ही सब निकलता है कि एक राइटर है कृष्णा बिदर्दी जी, बाकी और राइटरों पर लगता है कि चोरी करके गवाता है, वो विवादों में रहता है, लेकिन कृष्णा बिदर्दी जी का नाम अच्छे राइटरों में आता है, कितना खुशी होता है और क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी होता है और इसके लिए जनता को धन्यवाद। और शुरू से ही हम नहीं रहते हैं कंट्रोवर्सी में, जितना देर हम दूसरे का गाना उठाए गवाएंगे उसमें हम पाँच गाना लिख देंगे, पांच गाना में तो दो गाना मार ही देगा ना। अच्छा सुरला बाबा थोड़ा सा इनसे भी हम लोग जाने हैं कि कृष्णा बिदर्दी भैया के साथ में है, लेकिन भैया ये भाला मारे में बड़ी आगे है और बाबा क्या करना चाहेंगे? सुरला बाबा है बताइए तने। हाँ क्या कंटिन्यू गाना आ रहा है, अभी ये भी गाना मिलियन क्रॉस कर गया है, कुछ ही टाइम में ट्रेंडिंग में भी आ जाएगा, इसको डाल दिया गया, ट्रेंडिंग में आ जाएगा। हाँ 100% भैया, अभी तो अंकिता फिल्म के मालिक है, अंकिता फिल्म सबका प्रोजेक्ट आने वाला है, अभी अगले महीने में आने वाला है, अगले महीने में आएगा। अभी जो पिछला गाना तो 500 मिलियन पूरे चैनल पर क्रॉस कर गया है, सुनो राजा पी के गाजा वाला। आता है कि सुरलभ जी यानी कि सुरलभ कश्यप है कभी कभी भाला गड़ासा चलाने लगते हैं, बहुत खबर में आता है। ऐसा कुछ नहीं है, बस लोग बोलते रहते हैं, कभी है। प्यार है लोगों का, प्यार है। कभी कभी परशुराम जी वाला फरसा उठा ले, अच्छा फरसा उठा लेते। अच्छा भैया कृष्ण भैया, आपका और खेसारी भैया का प्रोजेक्ट हारमोनिया की तरह कब आ रहे हैं? हारमोनिया टू और रिकॉर्ड हो गया है, शूट भी लगभग इसी में होगा तुरंत, फिर मतलब कि वही फ्लेवर लेके आ रहे हैं, वही फ्लेवर है एकदम। अच्छा एक सवाल है कि भोजपुरी में आए दिनों कुछ ना कुछ विवाद होते रहता है, कभी आपके खेसारी लाल यादव जी लाइव आ जाते हैं, कभी पवन सिंह जी की तरफ से कुछ जवाब मिल जाता है, कभी यूट्यूबरों का जवाब हो जाता है, यानी कि दोनों में विवाद क्यों होता है? अब विवाद देखिए क्या होता है ना, कि अभी आप बोले ही सामने, आप सुने ही कि उनका बोलना है कि देखिए हमारा कंपेयर कीजिए, लेकिन गलत ढंग से मत कीजिए, कुछ अच्छा भी तो बोल सकते हैं, वही बात है। तो कोई बोलेगा तो सुनेगा भी ना, बात यह है। आप हमको बोलिएगा, हम भी आपको सुनाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है हमारे पास मुंह नहीं है, जहां आप खड़े हैं हम भी वहीं खड़े हैं ना। अच्छा भैया विवाद होना चाहिए इंडस्ट्री में कि नहीं होना चाहिए, आपका राय क्या है, क्योंकि आप एक सीनियर कवि भी हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एकदम नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, सारे लोग आगे बढ़ें और सब अपने अपने काम में आगे बढ़ें, अपना अपना काम बेहतर करें, उससे हमारा नाम होगा, हमारा भोजपुरी आगे जाएगा। अच्छा कृष्ण भैया, फिल्म में आपके गाने कब आ रहे हैं और फिल्म आपके लिखे हुए गाने फिल्म का कब देखने को मिलेगा? अभी जितना फिल्म, जितना भी सुर म्यूजिक का भी होने वाला है, सारा म्यूजिक गीत संगीत सारा हम करते हैं। लखनऊ में भैया आजकल बहुत रहना हो रहा है आप लोगों का? नहीं तो अभी शूट चल रहा है ना फिल्म का, फिल्म का शूट चल रहा है, सीरी 420 का भी शूट चल रहा है यहाँ पे। अच्छा आने वाला समय में यानी कि सावन के बाद दशहरा पूजा आ रहा है, दशहरा के बाद लगन हर चीज़ आ रहे हैं, क्या कृष्ण बिदर्दी जी का लिखा हुआ गाना 300 मिलियन 400 मिलियन हम लोग क्रॉस करा पाएंगे या फिर नहीं करा? एकदम मारेंगे, तुरंत जल्दी जाएगा। हाँ तैयारी हो गया कि बड़ा आपको देखते हैं तो हारमोन से भी आ रहा है, बहुत बड़ा गाना। कौन से सुलभ भैया आपके चैनल से कौन से गाने आ रहे हैं? अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लिखा गया है, लोकगीत और भक्ति दोनों आएगा, देवी गीत भी आएगा। हाँ उड़ता पंछी को फिर ग्लोबल म्यूजिशन के कैद कर लिया जाएगा द्वारा। आप सुने आपने मालिक बैठे हैं ना सामने से, मालिक अलाउंस के आप, तो सारा चीज खत्म हो गया है और आगे बहुत अच्छा अच्छा काम भी होगा। अच्छा कृष्ण भैया मैं चाहूंगा कि थोड़ा उला हो जाए, बजावे लू कमर हारमोनिया पर।
नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पा जब हिलावेलु कमर हरमुनिया पा कि नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पा जी क्या बात है। जब हिलावेलु कमर हरमुनिया पा तो ये थे हमारे साथ में कृष्णा बेदर्दी भैया। तमाम चीज़ों पे इनसे हम लोग चर्चा किए, लेकिन अब हम लोग को देखना होगा कि हरमुनिया टू इनका कब आता है। बाल तोहार करे झपल झपल लपल बाप रे बाप, ये गाना तो आदमी का कान फाड़ दिया, कान फाड़ दिया। बहुत सारा प्यार मिला बहुत जल्दी, वो 350 मिलियन हो गया। नींबू खरबूजा भैल टू फिर भी आने की तैयारी हो रही है क्या उसका? वो आ रहा है ना लहंगा में मीटर टू आ रहा है, लहंगा में मीटर टू आ रहा है। बाप रे बाप, यानी कि वो कौन से कंपनी से आने वाले हैं? थोड़ा सा बेस्ट से आएगा, बेस्ट भोजपुरी से, यानी कि लहंगा में मीटर लगवा दिए राजा जी, यानी कि टू आने वाला है यार के लिए बहुत जल्दी। तो चलिए धमाका और तांडव होगा, क्योंकि भैया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से इनका मैटर खत्म हो गया है। और कृष्णा बेदर्दी भैया के जिसके ऊपर हाथ पड़ जाए तो भाई सोना तो उगलना ही पड़ेगा। और कुछ हम लोग बातें को प्राइवेसी भी रखते हैं कि हर गाने को हम लोग लीक कर देंगे अगर गा के, तो बिल्कुल गलत होगी। जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे भी आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रही है तबाही न्यूज को भी, इनको भी और हमारे टीम को भी, हमको भी, हमारे। चलिए सुलभ भैया, थोड़ा अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही ट्रेंडिंग में लाते रहिए गाना हमारे स्टार जी का और ऐसे ही अभी सारे चैनल से गाना आने वाला है, दबा के चलेगा। अच्छा भैया, एक सवाल है कि अभी फिलहाल जो पवन सिंह का गाना आया था कमरी आई नहीं, हिंदी गाने थे, उसको लेकर भी काफ़ी घमासान हुए, बवाल हुए, विवाद भी हुए, क्या कहना चाहेंगे उस गाने को लेकर? हम बहुत अच्छा गाना है और ऐसे होना चाहिए। विवाद अपना अपना है, क्योंकि हमारे तरफ से, हमारे टीम के तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लोग खुद ही बोलने लगे कि हम लकीर खींच दिए, इससे बहुत पहले बड़ा बड़ा लकीर है हमारे भोजपुरी में जी, ठीक ना? लेकिन वो लोग आज तक नहीं आके बोले हैं। हालांकि जो भी है मामले है, लकीर हो चाहे जो भी हो, लकीर के मामले में भैया खेसारी भी हमेशा गर्म नजर आते हैं। उनका लकीर नाम सुनते हैं बस गुस्सा हो जाते हैं। लकीर उनका नाम लेके करिएगा तो कोई गुस्सा होगा ना? अपना लकीर बहुत बड़ा कर दीजिएगा जी, पूरा भारत घुमा दीजिए, लेकिन अपना बनाइए ना, अपना नाम लेकर करिए, दूसरे का नाम लेके कंपेयर क्यों करते हैं आप? चलिए तो दोनों सुपरस्टार को आप क्या कहना चाहेंगे? और आज तो देख सकते हैं कि आज आप लोग के लिए बड़ा दिन है, खास है, क्योंकि आज ग्लोबल म्यूजिक से समझिए कि बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। आप लोग हिंदी में तहलका तांडव का मचा रहे हैं, क्योंकि हिंदी का भी हो ही गया है ना जी सुलभ जी? हाँ, हिंदी का भी हो गया, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ, हिंदी बहुत। देखिए सबसे बड़ा भैया खुलासा हम कर दिए हैं कि कृष्णा बेदर्दी भैया के मुंह से, अब सुन लिए हम नहीं कह रहे हैं, हिंदी गाने खेसारी भैया का आएंगे, वही ब्लॉकबस्टर गाने आएंगे। हाँ, बहुत ब्लॉकबस्टर गाना और बहुत बड़ा क्रिएटर आएगा उनके साथ, मुंबई के लोग आएंगे। हाँ, मुंबई के लोग आएंगे। चलिए तो भैया अब यही हमारे पास अपडेट था फिलहाल, इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और कृष्णा भैया का जो गाना का लेखनी है उसके बारे में क्या सोचते हैं, अंकिता फिल्म के मालिक सुलभ जी हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, तमाम चीज़ों को आप कमेंट में जवाब जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही, आपका भाई छोड़ते भाई।